कुछ दौरे पर इसलिए हैं क्योंकि वोट मांगने आए थे उन लोगों से, और इतने इतना आशीर्वाद बुधनी विधानसभा की जनता ने दिया है। मध्य प्रदेश में परसेंटेज के आधार पर देखें तो सर्वाधिक वोटों से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ से जीते हैं बिना चुनाव में आए। अगर वो चुनाव में एक दिन भी आ जाते हैं यहाँ पर मामला न जाने क्या होता, लेकिन जब लोगों ने इतना बड़ा विश्वास रखा है, जब इतना प्यार दिया है, तो एक नैतिक जिम्मेदारी मेरी भी बनती है कि वोट मांगने मैं आया और उसी नाते मैं वापस आया हूँ लोगों के बीच। भाई साहब, जैसे राम मंदिर का इस समय कांग्रेस विरोध कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब राम मंदिर पर विरोध करना कोई कांग्रेस ने कोई आज से कोई ना उनकी कोई वो है ना नियत थी ना नीति थी। और आज जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों भारतीयों का, हिंदुओं का जब सपना पूरा कर दिया है, तो कांग्रेस इसमें अपने अस्तित्व का अंत देख रही है। और इसीलिए विनाशकाले विपरीत बुद्धि, विनाश जब सामने दिखता है तो बुद्धि विपरीत चलती है, और वही हम देख रहे हैं कांग्रेस में। मैं सबसे पहले आपके बीच में आपको विश्वास दिलाने के लिए आया हूं। मेरी लाडली बुआओं, आप भी चिंता मत करना। मेरे युवा साथियों, एक घोषणा आज मैं करना चाह रहा हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। बसंतपुर में आप लोग थोड़े क्रिकेट की प्रैक्टिस करना शुरू कर, मार्च के महीने में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम मैं करने जा रहा हूँ नसरुल्लागंज की बैरुंदा की धरती। और इस बार ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा, पहले तो जैसा था हुआ था, लेकिन अब इस बार इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम करेंगे, इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम करेंगे, क्रिकेट का आयोजन करेंगे, कबड्डी का आयोजन करेंगे कि पूरी मध्य प्रदेश तो क्या पूरे देश की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि ऐसा कार्यक्रम अपने क्षेत्र में भी हो सकता है।